नमस्कार, भारतीय बस्ती खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय पांडे। नगर पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी बहुत तेज है और पूरे नगर पंचायत क्षेत्र को अगर देखा जाए तो केवल एक समाजवादी पार्टी ने ही केवल अपना प्रत्याशी के रूप में धीरेन्द्र निशा जी को मैदान में उतारा है। और आज सौभाग्य का विषय है कि ये इस चुनावी माहौल में भी भारतीय बस्ती को समय दिए। और आइए मैं इनसे कुछ बात करता हूँ नगर पंचायत क्षेत्र को लेकर के। अध्यक्ष जी, आप इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, 5 साल तक का कार्यकाल आपने देखा है, आपने पोर जानी थी शून्य से शिखर तक, आज चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे आप? चुनावी माहौल है, इसमें जो मैंने वादा किया था पंचवर्षीयों में जो नहीं मैंने पूरा कर पाया है उसको पूरा करने का पूर्णतः वादा करता हूँ। और रही बात शून्य से शिखर तक, हमारा और धौली नगर पंचायत पहले ग्रामीण था और ग्रामीण से उसको शहरी में बदलने के लिए वक्त तो लगेगा ही। आपके नगर पंचायत क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जितने शौचालय आपके द्वारा आपके विचारों को लेकर के बनाया गया, जिसमें आप देख लीजिए तहसील के सामने नेशनल हाईवे पे शौचालय है, रूदनगर खरौली और थाने के सामने, इनकी क्या स्थिति है? कभी आपने इसका अवलोकन किया कि समाज के लोगों के लिए जहां सरकार की ये प्राथमिकता है कि शौचालय में बाहर ना जाएं, इस तरह की जो बातें हैं वो चीज़ें आपके नगर पंचायत में कहां कहां आपको देखने को? शौचालय के लिए तो जगह पॉइंट नहीं मिल पाया था सही जगह, लेकिन जहाँ जहाँ मिला था वहाँ वहाँ शौचालय बनाया गया, जो कि थाने के सामने जो कि सार्वजनिक है वो चल रहा है। और जो तहसील के बगल वाली की बात आप कर रहे हैं वहाँ चल रहा है, लेकिन बंदर ज़्यादा होने के नाते क्योंकि टंकी गिरा दिए हैं, उस समय मान के चलिए कि शौचालय चालू है लेकिन पानी की थोड़ी असुविधा है। ये जो असुविधा है ये जब से लगा टंकी तब से, जब से शौचालय की स्थिति, जब से शौचालय बना है तब से स्थिति बनी है या बीच में इस तरह? नहीं, बीच में इस तरह। सड़क को ले लीजिए, सड़क को लेकर के तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें की है। रघुनाथपुर की सड़क को आप देख लीजिए, लोगों ने कहा कि यह गड्ढे में तब्दील हो चुका है, नगर पंचायत क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास नहीं। विकास आप विकास को लेकर के